ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग मुझे कुछ बताओगे? हर चीज का एक्सप्लेनेशन देते हो, अब ये भी बताओ। ए, मैंने पहले तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम घबराना छोड़ दो। जैसा तुम सोच रहे हो ना, उतना ये काम सीरियस नहीं है, समझे? देखो अभी मैं बताता हूँ, बीच में मत बोलना और मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने जो एक्सीडेंट किया वो किसी और ने देखा था क्या? क्या हमने ये देखा था कि डिक्की लॉक हुई थी या नहीं? तो हमारे गाड़ी को फॉलो करके हमारे घर के अंदर जाने के बाद किसी ने ड्राइवर सीट के बगल का लीवर खींच के डिक्की ओपन की और वो बॉडी को लेके हमसे पैसे निकालने का सोचा होगा। या शायद उसे लगा होगा कि क्यों ना ये सारी बातें मैं पुलिस को बता दूं। भैया मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। हमारे घर में पेपर नहीं चाहिए, बोला था ना। अरे नहीं भैया, पेपर के बारे में नहीं, कल तुम तीनों की फोटो पेपर में आने वाली है उसके बारे में। अरे भैया आप लोग खड़े क्यों, बैठिए ना, बैठ जाइए। तुम्हें क्या बात करनी है बताओ। वो क्या है कि जब आज सुबह मैं पेपर डालने निकला तो एक व्हाइट कलर की गाड़ी मैंने देखी थी और तभी कार के ब्रेक मारने की आवाज सुनाई दी। जब मैं उस आवाज के पीछे पीछे गया तो मैंने देखा आप जैसे तीन लड़के उस कार में थे। उन तीनों ने उस लाश को उठाया, डिक्की में डाला और वहां से वो चले गए। वो पेपर वाला बहुत अच्छा आदमी है, ये बातें पुलिस को तो नहीं बताएगा वो, लेकिन अगर मैं होता ना तो पुलिस को जरूर बताता। वैसे इस बात को पुलिस को बता के कोई फायदा नहीं होने वाला, फालतू में वो तीनों जेल में चले जाएंगे और पेपर वाले को कुछ मिलेगा भी नहीं। जवान लड़कों को जेल में डाल के आखिर किसी का क्या फायदा होगा? लेकिन अगर वो तीनों लड़के चाहें तो एक बड़ा अमाउंट उस पेपर वाले को अगर दे देंगे तो उसका फायदा हो जाएगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? क्या सोचते हैं आप लोग, हैं? कितने पैसे चाहिए? महीने भर पेपर बांटूंगा तो कुल मिलाकर के मैं 3,000 कमा पाता हूँ। साल भर का जोड़ूं तो यही कोई कुल मिलाकर के 20,000 रुपए होंगे और अभी मेरी उम्र 30 साल की हो रही है तो अगले 10 साल के बाद मैं 40 साल का हो जाऊंगा। इसीलिए अगर टेबल पे 10 लाख रख देंगे तो मैं उठाऊंगा और चले जाऊंगा। 10 साल के लिए 10 लाख तो बराबर है ना क्या? 2 घंटे के बाद आ जाना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। भरोसा करूं ना? हाँ कर सकते हो। नमस्ते नमस्ते।